नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा कि रशिया का सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट और यूएस का F-35 एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिस इज ए हिस्टोरिक एनकाउंटर और ये एनकाउंटर हो रहा है भारत के एरो इंडिया 2025 शो में। यहाँ पर ये दोनों एयरक्राफ्ट दिखाएंगे कि इन दोनों के पास भारत के लिए क्या बेहतरीन है। ये दोनों एयरक्राफ्ट एरो इंडिया शो के लिए बेंगलोर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच सभी के दिमाग में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा फाइटर जेट बेस्ट ऑप्शन होगा, रशियन सुखोई 57 या यूएस मेड F-35। इस वीडियो में इसी चीज का एक ट्रू और टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट को डिफरेंट रोल के लिए डिजाइन किया गया है। अब रशिया भी चाहता है कि भारत रशिया का सुखोई 57 खरीदे। उसने तो जॉइंट प्रोडक्शन की बात भी कर दी है। उधर यूएस भी कोशिश कर रहा है कि भारत यूएस का F-35 खरीदे। और इसीलिए हम इन दोनों एयरक्राफ्ट का सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि सुखोई 57 और F-35 दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये दुश्मन के राडार को चकमा दे सकते हैं, बट दे आर कंसेप्चुअली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशनल रोल्स। लेकिन इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को इनके इंटेंडेड रोल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया गया है। और इसीलिए एक की क्वेश्चन है दैट विच स्टेल्थ फाइटर्स ऑपरेशनल रोल अलाइन बेटर विद द IAF यानी इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। यूएस की डिफेंस स्ट्रेटेजी है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी हमला ही बेहतरीन बचाव है, जबकि रशिया जो एक लेसर इकोनॉमिक पावर है वो रिलाई करती है मोर ऑन कॉस्ट इफेक्टिव एसिमेट्रिक डिफेंस। और इसीलिए जो रशियन सुखोई 57 है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी लिमिटेड है और इसको डेवलप किया गया फॉर एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज एयर स्ट्राइक फ्रॉम विद इन रशियन एयर स्पेस, जिसका मेन मकसद होता है दुश्मन को रशियन बॉर्डर पर ही रोक देना। वही यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज जो है या आपके नेटो पावर, उनकी प्रायोरिटीज है लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक थ्रू कंटेस्टेड एयर स्पेस, यानी यूएस हमेशा दुश्मन की टेरिटरी में जाकर अटैक करता है और F-35 को उसी तरीके से डिजाइन किया गया टू पेनिट्रेट कंटेस्टेड एयर स्पेस एंड डिस्ट्रॉय एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। आप बात करते हैं सुखोई 57 और F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। सुखोई 57 का रडार क्रॉस सेक्शन है 0.1 से लेकर 0.5 स्क्वायर मीटर के बीच, जबकि यूएस के F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन है 0.0015 स्क्वायर मीटर। यूएस का F-35 फीचर ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ, यानी ग्राउंड बेस्ड रडार, चाहे वो फ्रंट में पोजीशन हो, पीछे की तरफ पोजीशन हो या साइड में पोजीशन हो, उसे F-35 को डिटेक्ट करने में काफी मुश्किल होगी। वही रशिया का सुखोई 57 हैज स्ट्रॉन्ग फ्रंट एस्पेक्ट स्टेल्थ, यानी वो सामने से आते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बट अगर ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ की बात करें तो इस मामले में सुखोई 57 F-35 से थोड़ा सा पीछे है। लेकिन अगर फ्लाइंग हेड ऑन की बात करें, जब दो फाइटर जेट आमने सामने हो, यानी अगर सुखोई 57 सामने से आते हुए दुश्मन के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर रहा हो, चाहे वो F-35 ही क्यों ना हो, तब सुखोई 57 बिना डिटेक्शन के F-35 के काफी क्लोज जा सकता है। लेकिन अगर सुखोई 57 कंटेस्टेड एयर स्पेस, यानी किसी दुश्मन के एरिया में पेनिट्रेट करता है, देन इट वुड नॉट बी डिटेक्टेड एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेकिन शॉर्टर रेंज में वो विजिबल होगा और इससे एनिमी रडार्स और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को काफी टाइम मिल जाएगा सुखोई 57 को एंगेज करने के लिए। अब बात करते हैं सुखोई 57 के डिफेंसिव इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी की, यानी जब सुखोई 57 अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर रहा हो तब। सुखोई 57 की डिफेंसिव इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी बेस्ड है ऑन इट्स मोर एडवांस्ड एंड पावरफुल रडार सेंसर सूट कंपेयर्ड टू F-35। सुखोई 57 में 5 रडार्स हैं, 3 हैं एक्स बैंड आइसा रडार्स, 1 है उसकी नोज पर और 2 हैं उसकी साइड्स पर। वहीं इसमें 2 एल बैंड रडार्स व्हिच आर इंटीग्रेटेड इनटू द लीडिंग एज रूट एक्सटेंशन ऑफ द विंग्स। एल बैंड रडार्स जो होते हैं वो किसी भी वेरी लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होते, जैसे कि F-22 या F-35। हालांकि एल बैंड रडार्स हैव लोअर रिजोल्यूशन ड्यू टू देयर लॉन्गर वेवलेंथ। अगर एक सुखोई 57 अपने 3 एक्स बैंड आइसा रडार्स, 2 एल बैंड आइसा रडार्स और 1 IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इन सब का डेटा एक साथ यूज करे तो वो किसी भी F-35 को काफी लंबे डिस्टेंस से ट्रैक कर सकता है। वही यूएस का F-35 किसी भी कंटेस्टेड एयर स्पेस में पेनिट्रेट कर सकता है अनडिटेक्टेड और किसी भी एनिमी टारगेट को लोकेट एंड आइडेंटिफाई कर सकता है। बाद में टारगेट किसी भी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट द्वारा डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। F-35 ऑल्सो हैज लिमिटेड एबिलिटी टू एंगेज ग्राउंड टारगेट इन कंटेस्टेड एयर स्पेस यूजिंग एयर टू ग्राउंड वेपन कैरिड विद इन इट्स 2 इंटरनल बॉम्ब बेस। अब F-35 का जो रोल है कंटेस्टेड एरिया में जाकर टारगेट को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, यही फंक्शन सुखोई 57 परफॉर्म नहीं कर सकता।
ACDF-35 US Air Force और NATO Allies की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये एक हाईली कैपेबल ऑफेंसिव वेपन सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है फॉर पेनिट्रेटिंग कंटेस्टेड एयर स्पेस एंड कंडक्टिंग प्रिसीजन स्ट्राइक। यानी अगर आपको पाकिस्तान में घुसकर मारना है तो F-35 इज बेस्ट ऑप्शन। वही Sukhoi-57 इज प्राइमरीली ए डिफेंसिव वेपन सिस्टम। इसे डिजाइन किया गया है दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट को डराए रखने के लिए, जैसे कि वो हमारे एयर स्पेस में ना घुसे। हालांकि Sukhoi-57 कैन स्ट्राइक डीप इनटू एनिमी टेरिटरी बाय अप्रोचिंग द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट अनडिटेक्टेड एंड लॉन्चिंग स्टेल्दी और हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल्स। अब देखिए, जब भी फाइटर जेट खरीदने की बात होती है तो उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब US के F-35 की तरह लो ऑब्जर्वेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए रशिया ने Sukhoi-57 की डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कम किया है। Sukhoi-57 की यूनिट कॉस्ट F-35 के कंपैरिजन में 50-70% कम होगी और इसी तरह उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी F-35 से काफी कम होने वाली है। जो हाईली स्टेल्दी फाइटर्स होते हैं जैसे कि F-35, उनका टर्न अराउंड टाइम ज्यादा होता है, यानी एक उड़ान के बाद दूसरी उड़ान भरने में उन्हें टाइम ज्यादा लगता है और इसलिए Sukhoi-57 F-35 के कंपैरिजन में एक दिन में ज्यादा उड़ाने भर पाएगा जिससे उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अब एक और सबसे क्रूशियल चीज है और वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर भारत US का F-35 खरीदता है तो इसमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। US अपनी टेक्नोलॉजी कभी भारत को नहीं देने वाला है। वहीं F-35 कई कंडीशंस के साथ भी आ सकता है क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत और रशिया काफी क्लोज डिफेंस पार्टनर हैं। वहीं रशिया भारत को Sukhoi-57 के मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर रहा है। इवन रशिया तो कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो इनका प्रोडक्शन भारत में ही हो सकता है और इससे इनकी कॉस्ट भारत के लिए और कम हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।